तो मेरे भाई लोग यार, क्या आप लोग को पता है हमारा जो नेक्स्ट ओबी अपडेट के बाद जो डायमंड वाला आने वाला है उसमें गाइस कौन सा बंडल आपको देखने को मिलेगा। एंड गाइस जो रैम्पेज का एक बंडल है मेल वाला, वो गाइस आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री देखने को मिल जाएगा। वो गाइस कैसे क्या मिलेगा सारे कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। तो यार वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, लास्ट तक जरूर से देख लेना है। और गाइस लास्ट तक अगर नहीं देखोगे तो आधी अधूरी ज्ञान गाइस सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो प्लीज यार वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो चलो गाइस वीडियो पर यहाँ पर शुरू कर लेते हैं एंड कुछ मेन मेन टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला जो बात है गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्री का जो बंडल मिलेगा रैम्पेज के टाइम वो गाइस कौन सा होने वाला है। ओके गाइस, फ्री फायर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के अंदर से है, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बार वीडियो से भी सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि फेक भी हो सकता है। तो गाइस इधर जो कि गाइस आप लोग देख सकते हो, जो कि साफ साफ लिखा है, अ मेल कॉस्ट्यूम बंडल विल बी रिवॉर्डेड टू ऑल प्लेयर फॉर फ्री होइन दे लॉग इन एंड कंप्लीट सर्टेन मिशंस ड्यूरिंग द पीरियड, समथिंग दैट डजंट हैपन ऑफ्टन। तो गाइस यहां पर जो कि मेल का बंडल गाइस दिया गया है, देख सकते हो, जो कि शैडो अर्थ शेखर बंडल है, ठीक है। तो गाइस यहां पर देख सकते हो, आप लोग बोलोगे शैडो अर्थ शेखर बंडल क्या, यही है, चेहरे उसके नीचे भी गाइस लिखा है, देख सकते हो, अबव शैडो अर्थ क्विकर बंडल, ठीक है। तो गाइस यहां पर ये वाला बंडल गाइस आप लोगों को जो कि मिलने वाला है फ्री। अभी गाइस ये वाला बंडल का जो वीडियो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये वाला वीडियो में गाइस कैसा लगता है बंडल ओरिजिनल जो गेम के अंदर रहेगा। तो गाइस यहां पर जो बंडल देख सकते हो यार, कुछ इस तरीके से होगा, जो कि गाइस ठीक ठाक सा ही मेरे को लग रहा है। इसका पैंट बहुत ही अच्छा है एंड इसका जो हेयर स्टाइल है वो भी गाइस काफी ज्यादा मस्त है, ठीक है। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, इसका एनिमेशन यार क्या ही तो मस्त एनिमेशन बनाया गया है। और गाइस ये आप लोग को बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। आप लोगों को गाइस बस इसमें गाइस क्या करना है, थोड़ा बहुत जो मिशंस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। रैम्पेज का इवेंट आएगा उसी के अंदर कुछ तो मिशंस वगैरह गरीना देगा, जहां पर आप लोगों को मिशन कंप्लीट करना है, टोकन कलेक्ट करना है और गाइस ये वाला बंडल को आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। तो गाइस यहां पर मिशंस वगैरह क्या रहेगा अभी तो गाइस पता नहीं है, बट गाइस यहां पर जो कि आप लोगों को अपडेट के बाद जो इवेंट आएगा उसी के अंदर पता चल जाएगा। एंड मिशंस गाइस ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होने वाला है, सिंपल से ही मिशन होने वाला है जिसको कंप्लीट करके आप लोग टोकन वगैरह कलेक्ट करके इसको इजीली एक्सचेंज कर पाओगे। एंड अभी गाइस बात करते हैं जो कि नेक्स्ट हमारा अपडेट है, जो कि गाइस रिवाइवल पॉइंट को लेकर आता है। रिवाइवल पॉइंट की बात करें गाइस, यहां पर जो कि रिवाइव पॉइंट है ना रैंक मैच के अंदर, वो गाइस अभी भी हटा नहीं है एंड अपडेट के बाद भी गाइस हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। उसमें गाइस कुछ थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह आएंगे जो कि गाइस आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहां पर जो कि रिवाइवल पॉइंट था ना, जहां पर रिवाइव होने में गाइस आप लोग को 14 सेकंड लगता था, वहां पर गाइस अभी 33 सेकंड्स वगैरह लगेगा, ठीक है, मतलब बहुत टाइम लगेगा। एंड रिवाइवल पॉइंट कूल डाउन, मतलब गाइस एक बार रिवाइवल पॉइंट यूज करने के बाद आप लोग फिर से जब यूज करने जाओगे, जहां पर 2.5 मिनट लगता था, अब गाइस उधर 3 मिनट लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस रिवाइवल पॉइंट पर गेम में गाइस रिवाइवल पॉइंट गाइस 9 पॉइंट थे, ठीक है, अभी गाइस 8 कर दिए हैं। मतलब गाइस ये क्या फायदा हो, मेरे को गाइस समझ नहीं आता। इससे अच्छा तो गाइस ये वाला जो कि रिवाइवल पॉइंट का सिस्टम है, अगर रैंक मैच से हटा देते तो गाइस मेरे को ज्यादा पसंद आता। नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, यहां पर एक जो रैम्पेज का बंडल गाइस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ठीक है, जो कि गाइस टॉप का रैम्पेज का बंडल है, ठीक है। ये वाला गाइस देख सकते हो, ये वाला बंडल गाइस बहुत ही ज्यादा ओपी है, जो कि टॉप का रैम्पेज का बंडल है। इस ये गाइस आप लोगों को कोई स्पेशल लक रॉयल के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे गाइस कोई लक रॉयल आ गया ना, उसका भी गाइस अलग से एक बाउचर है, जहां पर वो वाला बाउचर से आप लोगों को जो कि स्पिन वगैरह करना पड़ेगा। एंड गाइस ये वाला जो कि लक रॉयल गाइस देख सकते हो, ये लक रॉयल के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये वाला बंडल गाइस बहुत ही ज्यादा ओपी लगा मेरे को। इसका हेयर स्टाइल वगैरह देख सकते हो यार, ठीक ठाक सा है, बट गाइस इसका जो ड्रेस है मेरे को ज्यादा अच्छा लगा है। इसका गाइस देख सकते हो, ये वाला जो टोकन के साथ आएगा, जहां पर स्पेशल लक रॉयल के अंदर आपको ये वाला टोकन से स्पिन करना पड़ेगा। अगर गाइस ये वाला टोकन आपके पास नहीं है तो आप लोगों को 60 डायमंड नहीं तो 40 डायमंड से मैक्सिमम आप लोगों को स्पिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यहां पर बात करते हैं अभी नेक्स्ट जो डायमंड वॉल के बारे में। तो गाइस 12 दिन बाद जो नेक्स्ट डायमंड वाला गाइस आप लोग आएगा, वो गाइस आप लोग को बेसिकली मेल का देखने को मिलेगा। एंड गाइस यहां पर लीक के हिसाब से आप लोग देख सकते हो गाइस, यहां पर जो ये वाला दोनों बंडल है, ये वाला दोनों बंडल गाइस आप लोगों का नेक्स्ट डायमंड वाला होने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस यहां पर एक फीमेल का चल रहा है, तो गाइस बेसिक सी बात है, एक मेल का जो डायमंड वाला का बंडल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैक्सिमम जो चांस है गाइस आप लोग ये वाला जो मेल का बंडल है, ये गाइस आप लोगों को देखने को मिले नेक्स्ट डायमंड वाला के अंदर। अगर गाइस गरीना चाहता है तो गाइस ये फीमेल वाला बंडल को भी दे सकता है डायमंड वाला के अंदर। बट गाइस यहां पर दोनों बंडल में से कोई एक बंडल जो कि आप लोगों को इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिल जाएगा डायमंड रॉयल पर, एंड मैक्सिमम चांस है कि आप लोग मेल का बंडल देखने को मिले इंडियन सर्वर पर डायमंड रॉयल के, ठीक है। कैसा लगा यार ये वाला वीडियो जरूर से कमेंट करना, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद है तो लाइक वगैरह कर देना या सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।